फ्रेंड्स, मैं सजन और आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़। राघव को मोदी अपने खिलाफ बोलने के लिए करवाएंगे संसद से सस्पेंड। चलिए देखते हैं वीडियो। बिल है वो पास हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कानूनी जो प्रावधान है वो गिनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और आम आदमी पार्टी पे सीधे तौर पर निशाना साधा। एक शब्द का भी जिक्र किया कि वो पार्टी जो छोटी सुपारी की तरह है और एपी की 2015 से पहले सरकारें ठीक से चला करती थी। 2015 में जो पार्टी है उसने अपने लिए काम किया, सेवा भाव से काम नहीं किया। देखिए, कल के माननीय गृह मंत्री जी के भाषण में इतनी नफरत आम आदमी पार्टी के लिए, इतनी दुर्भावना अरविंद केजरीवाल जी के लिए नज़र आई, जो राजनीति के शिष्टाचार में जिसका कोई स्थान नहीं है। और मुझे लगता है इतने बड़े पद पे बैठे शख्स को, जो एक बार कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पद पे बैठे थे, उस पद पे बैठे किसी शख्स को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने जो भी बातें कहीं उसमें मोटे मोटे तौर पे उनकी बातों में एक स्वीकृति थी, एक एक्सेप्टेंस थी कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक था। 2015 के बाद दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां छीनने के कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो ऐसा क्या हो गया 2015 में? 2015 में आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत की अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो बीजेपी की राजनीति दिल्ली से ख़त्म हो गई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के नेता पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो गए, राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो गए। तो फिर ये योजना भाजपा ने बनाई कि दिल्ली की सरकार को ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, या कभी भाजपा की सरकार तो बन नहीं पाएगी तो सरकार ही खत्म कर दो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कानून बनाया और इसे खुद सदन के पटल पे गृह मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा। और 2015 के बाद की गतिविधियां का हवाला देते हुए कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद ही ये शक्तियां छीनने वाला कानून लाए। दूसरी बिंदु, उन्होंने पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों की याद दिलाते हुए, जो उन्होंने 1920 के दशक में, 40 के दशक में कभी बातें कहीं, उन बातों के आधार पर ये कहने का प्रयास कर रहे थे इसलिए हम ये कानून लाए हैं। मैं तो हैरान हो गया, वो भाजपा जो रोज़ पानी पी पी कर पंडित नेहरू को गालियाँ देती है, उनके बारे में न जाने क्या क्या दुष्प्रचार फैलाती है, वो आज नेहरूवादी हो गई? गृह मंत्री अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए? उन्हें नेहरू जी की याद आने लगी? मैं गृह मंत्री जी को और भाजपा को कहना चाहता हूँ, नेहरूवादी ना होइए, आप अडवाणीवादी हो जाइए, आप अटल बिहारी वाजपेयीवादी हो जाइए, क्योंकि ये वाजपेयी जी और अडवाणी जी 77 से लेकर 2015 तक लगभग 40 साल संघर्ष करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली में एक अपनी राज्य की शक्तिशाली सरकार हो, जिसके पास सारी शक्तियाँ हों। इसके लिए तो अडवाणी जी और वाजपेयी जी लड़ते रहे। तो मेरा भाजपा के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नेहरूवादी मत बनो, अंबेडकरवादी मत बनो, वो तुम बन नहीं पाओगे, तुम अडवाणीवादी बन जाओ, वाजपेयीवादी बन जाओ और उनकी जो बातें हैं उन पे अमल करो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, दिल्ली से सारी शक्तियां छीनो मत। और 1977 से लेकर 2015 तक दिल्ली के अपने हर चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठकों में रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पारित कर ये कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहाँ तक कि इनके बहुत ही सीनियर नेता, जिनको अब इन लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में स्थान दे दिया है, लाल कृष्ण अडवाणी साहब, वो जब देश के उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक बिल, दिल्ली स्टेटूट बिल 2003 पार्लियामेंट में भी लाए थे। एक आज के भाजपा की सरकार है, आज की मोदी सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने सरकार से जो बची कुची शक्तियां छीं वो भी छीनने का कानून ले आए हैं। तो एक तरफ वाजपेयी जी और अडवाणी जी की भाजपा थी, एक तरफ मोदी जी अमित शाह जी की भाजपा है, लोग देख रहे हैं और लोग भाजपा का दोहरा चरित्र भी देख रहे हैं।